कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सरदार अशर और आज मैं मौजूद हूँ दामने को में, जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है। आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस जगह में आके उनको कैसा महसूस होता है और यहाँ आकर क्या क्या इंजॉयमेंट करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सीनरी है। हम लोग बलूचिस्तान कोटा से आए हुए हैं, ठीक है, ईद की छुट्टियां मनाने के लिए, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जगह है। इस्लामाबाद में आपको सबसे प्यारी जगह कौन सी लगी? ये बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह, और इस्लामाबाद पूरी प्यारी है माशाल्लाह। जिधर भी जाए माशाल्लाह, अच्छे पॉइंट हैं। हम लोग खसूसी जो है ना, घूमने के लिए आए। ठीक, अच्छा मुझे बताओ ये जगह आपको कैसी लगी? ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं यहाँ डी अली खान से आया हूँ। अच्छा। और पहले ये मैं हमारा दूसरी बार है कि हम आए हैं यहाँ। बहुत अच्छे से सारा इस्लामाबाद दिख, बहुत खूबसूरत दिखता है। हाँ, और अच्छा मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे आके आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ के लोग जो मजे करते हैं, और यहाँ पे चाइनीज भी देखने को मिले, इंग्लैंड के लोग भी, और तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है जिसे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छा व्यू यही साइड है। हम लोग बहुत दूर से आए लेकिन ये साइड हमें बहुत अच्छी लगी है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इस जगह में आपको क्या मतलब स्पेशलिटी लगी है बाकी जगहों से? मैं अभी बहुत जगह घूम के आया हूँ, सबसे अच्छी जगह हमें ये लगी है क्योंकि इस पे व्यू बहुत अच्छा है, पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, व्यू बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने यहाँ पे फूड्स वगैरह भी ट्राई किए होंगे? जी। तो फूड्स वगैरह में आपको कौन सी चीज़ यहाँ की अच्छी लगी? यहाँ की आइसक्रीम हमें सबसे अच्छी। अच्छा, आइसक्रीम सबसे अच्छी लगी। मुझे बताइएगा यहाँ पर आके आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है? I have come all the way from Lahore. Okay. And I like this place a lot because I have traveled a lot. All and right. I have visited many places. Okay. Recently I was visiting this which is the mosque is there. Which mosque? Faisal Mosque. Faisal Mosque. Yeah. That point I visited. Okay. Then we came all the brothers all right. the way from Lahore. Yeah, you came. We traveled a lot and then. You are friends? Yeah, we all are friends. Okay. And even though some we are brothers as well. All right. And we traveled all the way from Lahore. Okay. And then we came here, and there it, the point which I liked the most in Islamabad, that was this point only. All right. And I liked it a lot. All right. And thank you so much. Welcome. हॉस्पिटैलिटी दैट विच यू हैव प्रेजेंटेड अस, थैंक यू सो मच। जनाब यहाँ पे आके एक तो आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत बेहतरीन था, जिस वजह से आज यहाँ पे खुशी महसूस हुई है। ऊपर से यह है कि ईद की छुट्टियाँ थी तो इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे लोग, हम भी इधर आए हैं और बाकी तमाम लोग भी इसी वजह से इधर आए हैं ताकि वो अपने आप को फ्री महसूस करें, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें। ऐसे बिजी रूटीन जो नॉर्मल रूटीन होती है, ऑफिस वर्क होता है, ये वो, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग बिजी तो रहते हैं। किधर से आए यहाँ पे? हम यहाँ से, वैसे बेसिकली मैं मरी गाँव। अच्छा। पर यहाँ पे मैं पिंडी में रहता हूँ। अच्छा, पिंडी में। तो फिर तो आपका समझ ले दूसरा घर है। जी बस यही समझ ले, बस जब भी दिल होता है इधर आते हैं। सिंध नवाबशाह से आए हैं। अच्छा, आप इतने दूर से आए हैं यहाँ पे स्पेशल इस्लामाबाद घूमने के लिए? जी जी, हमारा प्रोग्राम है नारान कागान, ये कश्मीर तक हमारा जाने का प्रोग्राम है। ईद की छुट्टियाँ खत्म हुई तो हमने सोचा की कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए। हमारे यहाँ सिंध में बहुत गर्मी है। बिल्कुल। तो हमने सोचा की ये कुछ ठंडे इलाके हैं, इसको विजिट करते हैं, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ऐसे अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको इस्लामाबाद की जो सबसे प्यारी जगह है वो कौन सी लगी है? इस्लामाबाद की जो प्यारी जगह है ना, वो अभी तक हमने मुनाल देखा है, पीर स्वावा पे हम गए हैं। हाँ, और वो डायनो जो है, डायनो वैली, वो हमने विजिट की है, और फैसल मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। फैसल मस्जिद का तो कोई जोड़ नहीं। हाँ, फैसल मस्जिद बेहतरीन है, इंशाल्लाह आगे है देखने का प्रोग्राम। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको पीर स्वावा आके क्या महसूस हुआ? यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। हाँ, फॉरेस्ट है। ये जो हमारे यहाँ गर्मी हो रही है वो इन जंगलात की कटाई की वजह से हो रही है। सर, तो ये फॉरेस्ट है, ये हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हमें फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपना पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, हमारे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। हम प्रमोट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? जी जी, हम दोस्त हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ घूमने का एक अलग ही। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप किधर से? कोटे से आया हूँ। अच्छा, आप कोटे से आए स्पेशल इस्लामाबाद घूमने के लिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद घूमने आए। तो ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद जबरदस्त गुजरी माशाल्लाह। तो ईद आपने वहीं पे किया या इस्लामाबाद आके? ईद वहीं पे किया, घूमने यहाँ आए। अच्छा, घूमने यहाँ पे, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद की माशाल्लाह
रावल लेक भी खूबसूरत, दामनिको भी खूबसूरत है, साफ सुथरे अच्छे लोग हैं, ठीक है जी हाँ, ग्रीनरी है, ठीक है, पीसफुल माहौल है, तो काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर इस्लामाबाद लोगों ने आना हो, जिस तरह आपके क्वेटा से भी हैं और कराची से, दूर दूर से लोगों की ख्वाहिश रहती है कि इस्लामाबाद आए मगर वो पहुँच नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस ये है कि आने के कुछ लोग अफोर्डेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जो होते हैं वो अपने गाड़ियों में आएँ, स्टे करें, वेदर भी अच्छा है, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें आके अपने यहाँ पे, जो हम लोगों की वहाँ विंटर समर वेकेशन है 10 डेज़ के, हम यहाँ पे स्पेंड करने आए हैं, तो बहुत से लोग विंटर में भी आ सकते हैं और समर वेकेशन में भी यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, किधर से आए आप? पिशावर से जी। अच्छा, आपको पीर सोवा कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। तो इस्लामाबाद की बाकी जगह भी विजिट की है सिर्फ पीर सोवा? बहुत विजिट किया। अच्छा, सेंट टोरेस गया, वो मिंडी मोड़ गया, इधर आया। अच्छा, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है? यार ये फैसल मस्जिद। क्या बात है, फैसल मस्जिद के अपना जो है? अलग मज़ा है, अलग, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे आपने नमाज अदा की या फिर वैसे ही घूमे फिरे? नमाज भी अदा किया वो फेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पे आके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ये भी किसी किसी को फजीलत मिलती है, तो आप मुझे ये बताइए आप ये कब से कर रहे हैं? सर यही हमारे बेसिकली काम है। अच्छा, अमीर आलम है, ठीक है, और यही हमारा काम है। अच्छा, और कवाली नाइट वगैरह करते हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, तो अच्छा। ये यहीं पे लोगों को बस खुश करने के लिए आ जाते हैं, यही काम है हमारा, खुश करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे बताएं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, माशाल्लाह आपने इतना मतलब अपने आप को सजाया दजाया हुआ लोगों के लिए, तो ये मतलब आपको शौक था या फिर वैसे मतलब लोगों को एंटरटेन करने के लिए? सहलुल अमर तो शौक के लिए तो कोई भी काम नहीं करता ऐसे, मेरे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं 6, ठीक, सहलुल अमर तो उनके लिए और दूसरे नंबर लोगों के बच्चों के लिए मैं आता हूँ खुश करने के लिए। लोग खुश होते हैं तो मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरी मदद करते हैं। ठीक है। अभी मैं बीमारी की हालत में हूँ। अच्छा, आज 2 ड्रिप पे लगवा के आया हूँ तो मुझे एलर्जी है बहुत सख्त, तो गर्मी में खड़ा होता हूँ, वाहिद एक मैं बंदा हूँ जो इस गर्मी में खड़ा होता हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत से यहाँ पे आए हुए लोगों से बातचीत की और उनसे उनका यही कहना था कि इस जगह का जोड़ कोई नहीं है और इस जगह में आए हुए लोग हमेशा एडवेंचर फील करते रहते हैं। कैमरामैन सईद के साथ सरदार अशर, कंट्री न्यूज़।